नमस्कार दोस्तों, अगर आप ट्रक्स बिजनेस से जुड़े हुए हैं या फिर हैवी कमर्शियल व्हीकल चलाते हैं तो जाहिर सी बात है आपने एयरलिफ्ट एक्सल ये टर्म तो सुना ही होगा। लेकिन आखिर एयरलिफ्ट एक्सल होता क्या है और ये कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, ये मैं बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद बशीर और आप देख रहे हैं ट्रक जंक्शन। एयरलिफ्ट एक्सल, जैसे कि इसके नाम से ही शो हो रहा है कि ये एक ऐसा एक्सल होता है जो लिफ्ट यानी कि ऊपर उठ सकता है। ट्रक्स में आने वाला ये एक एडिशनल एक्सल होता है जिसका मेन काम होता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्सल को ऊपर ले लेना और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही एक्सल को वापस नीचे ले जाना। ये सब एयर प्रेशर की हेल्प से किया जाता है और आजकल लोग इसको मैनुअली तो करते ही है, साथ ही साथ काफी सारे ट्रक्स में ये सारा काम ऑटोमेटिकली भी होने लग गया है। किसी भी ट्रक में एयरलिफ्ट एक्सल के होने से काफी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा कि इसकी हेल्प से आप अपने ट्रक के वेट को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो प्राइमरी एक्सल्स हैं उन पे कम जोर पड़ेगा और वो लंबे समय तक चल सकते हैं। दूसरा बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि एयरलिफ्ट एक्सल होने की वजह से किसी भी ट्रक का जो माइलेज है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। उसकी वजह यह है कि आपके ट्रक में दो और टायर जुड़ जाने की वजह से वो इजिली रोल कर पाता है, जिसकी वजह से एक बेहतर माइलेज निकल करके आता है और जो फ्यूल कंजप्शन है वो काफी हद तक बेहतर हो जाता है, जिसकी वजह से डीजल में सीधे सीधे पैसे बच जाते हैं। और आजकल तो काफी सारे ट्रक्स इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि उनमें ये सिस्टम ECU यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के साथ ही जुड़ा हुआ आता है, जिसकी वजह से एक ट्रक को खुद ही पता चल जाता है कि उसको कब अपने एक्सल को डाउन करना है और कब अपने एक्सल को अप करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऐसे ड्राइवर हैं जो अपने ट्रक्स को पहाड़ों पे लेकर के जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पहाड़ है तो आपको चढ़ाई करनी होती है और काफी बार जो रास्ता होता है वो काफी zigzag होता है, जिसकी वजह से जो ट्रक है उसका बैलेंस खराब होने लग जाता है। ऐसे में ये एक्सल अपने आप नीचे जमीन पर आ जाता है, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा टायर्स के सपोर्ट मिलते हैं और आपको एक बेटर स्टेबिलिटी अपने ट्रक में मिल पाती है। इसी के साथ साथ एक और बेनिफिट जो आपको एयरलिफ्ट एक्सल का मिलता है वो ये है कि एक्स्ट्रा टायर होने की वजह से सभी टायर्स पे जो प्रेशर है वो कम पड़ता है, जिसकी वजह से टायर्स कम घिसते हैं और आप लंबे समय तक अपने ट्रक्स के टायर्स चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे बेनिफिट्स होते हैं एयरलिफ्ट एक्सल के। अब अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो एयरलिफ्ट एक्सल एक एडिशनल एक्सल होता है जो ट्रक्स में आता है, जो सिचुएशन के हिसाब से नीचे या ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रक को बेटर स्टेबिलिटी मिलती है, साथ ही साथ उसके जो टायर्स है वो कम घिसते हैं, बेटर फ्यूल कंजप्शन हो जाता है और बेटर लोड मैनेजमेंट हो जाता है। तो अगर आप कोई नया ट्रक खरीदने की सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसमें एयरलिफ्ट एक्सल जरूर हो, क्योंकि ऐसे आप काफी सारे बेनिफिट्स पा सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसा ट्रक है जिसमें एयरलिफ्ट एक्सल लगा हुआ है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ट्रक जंक्शन को सब्सक्राइब कर लें।